मासिक पत्रिका और समाचार चैनल की अपार सफलता के बाद अब इंडिया एक फिक्स ग्रुप जल्द ला रहा है सबसे सस्ती और भरोसेमंद ऑनलाइन शॉपिंग प्रोड्यू डी यूटे, जहां आपको मिलेंगे देश विदेश के सौंदर्य उत्पाद बेहद किफायती दामों पर। अधिकारी शीतल वर्मा के स्थानांतरण के बाद विशेष सचिव आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक के पद से पीलीभीत जिलाधिकारी के पद पर तबादला होकर आए अखिलेश मिश्र जी अपने आप में एक विशेष अधिकारी हैं। उन्होंने आज यहां पर आकर नवागत जिलाधिकारी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले यहां के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया और उनके बारे में अपनी पूरी जानकारी ली। जिलाधिकारी अखिलेश मिश्र न केवल एक कुशल प्रशासक हैं, बल्कि वो एक कवि भी हैं। कवि होने के साथ साथ वो हृदय से बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने यहाँ पर आकर बताया कि पीली जैसे शांत जिले में आकर उनको बहुत अच्छा लगा है और वो यहाँ पर पर्यावरण और खासतौर से पीली टाइगर रिजर्व और गोमती उद्गम स्थल जैसी समस्याओं को बेहद तेजी से सुलझाने का प्रयास करेंगे और उनको जल्द से जल्द समस्या मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो विशेष रूप से पेपरलेस वर्क को बढ़ावा देंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मिश्र जी ने बताया कि उनकी पीली जिले को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और यहां आकर वो कौन कौन से कार्यों को प्रमुख रूप से देखेंगे और पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि जिलाधिकारी अखिलेश मिश्र जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं पीलीभीत की गणमान्य जनता का अभिनंदन करता हूँ और आज ही मैंने ज्वाइन किया है। पीलीभीत एक प्राकृतिक रूप से अच्छा जनपद है, बहुत ही प्यारा जनपद है। मूल जो मेरे मन में जो भावना है वो है प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए या उसमें जो और ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, चाहे वो हम गोमती नदी के माध्यम से उसके उद्गम स्थल के माध्यम से दें और या फिर एक जो दूसरी मेरे मन में योजना है वो कम कागज़ का इस्तेमाल करके हर स्तर पे, चाहे वो अधिकारिक स्तर पर हो, चाहे वो प्राइवेट स्तर पर हो, चाहे जहाँ पर भी हो, कागज़ का इस्तेमाल कम करके या कागज़ का जुडिशियल इस्तेमाल करके हम लेस पेपर की तरफ जाएँ, लेस पेपर से नो पेपर की तरफ जाएँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा मदद लें हम, जिससे हमारे जीवन में जीवन की शैली आसान हो, जीवन की शैली और सुदृढ़ हो और अच्छी हो, उससे करप्शन कम हो, इस तरफ मैं काम करना चाहता हूँ। सर जैसा कि सर आपने कभी तो जब पीलीभीत आने से पहले कुछ आपने ऐसा कोई जनता के लिए कोई ऐसी कोई कविता कोई चार शब्द अगर आप बोलना चाहें तो? मेरे ख्याल से मैं आज ही आया हूँ। हर वक्त के कई पहलू होते हैं, तो आज मुझे जिलाधिकारी के रूप में बात करने में कवि के रूप में फिर कभी बात करूँगा।